हेलो स्टूडेंट्स, आज के एजुकेशन गाइड में मैं धर्मिष्ठा आपको वेलकम करती हूँ। आज हम स्टैंडर्ड थर्ड का हिंदी का पेपर देखने वाले हैं। अभी जो एग्ज़ाम हुई ना उसका है, तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना, और आप भी ये जो पेपर है उसके जेरोक्स निकाल के फिर से उसकी टेस्ट भी देना, तो आपको भी पता चलेगा आपको कितना याद है। तो पेपर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, योग्य विकल्प पसंद करके सही उत्तर लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन, देश की सेवा हमारा क्या है? तो धर्म आएगा, ए। सेकंड, इनमें से कौन सा त्यौहार नहीं है? तो ईद और दशहरा वह त्यौहार है जो बाल दिन है 14 नवंबर, वो नेहरू चाचा के लिए मनाया जाता है। थर्ड नंबर है, जो तितलियाँ बगीचे में उड़ रही थी वह क्या बन गई? तो वह परिया बन गई, ठीक है। फोर्थ नंबर है, वास्तव में पृथ्वी का आकार कैसा है? उसका आंसर गोल आएगा। फाइव नंबर, अजय किसका इंतजार कर रहा था? तो चाचा जी का, ठीक है। क्वेश्चन टू है, उसमें एक शब्द में उत्तर लिखने हैं आपको। हमारे देश का नाम क्या है? तो वहाँ पे हम लिखेंगे भारत। इसका आंसर है भारत। हमारे देश का क्या नाम है? तो भारत। सेकंड नंबर है, हमारा देश कैसा है? हरा भरा। थर्ड नंबर, कोयल कैसी आवाज़ में बोलती है? कुहू कुहू। हमें धरती कैसे दिखाई देती है? तो चपटी। पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? तो सूरज की ओर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, कमल बगीचे में क्यों गया था? तो पढ़ने। फिर क्वेश्चन थर्ड नंबर है, उसमें समानार्थी शब्द लिखने हैं, ठीक है। तो जो फाइव समानार्थी शब्द है वह हम देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट भूमि दिया है तो उसका जमीन आएगा। सेकंड है गुस्सा तो क्रोध, प्रकाश तो रोशनी, सूर्य तो सूरज, और अंधकार है उसका अंधेरा आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फोर है, विलोम शब्द लिखो। तो अब वह स्टार्ट कर, कड़वा मीठा, अंदर बाहर, गंदा साफ, कम ज़्यादा, सर्दी गर्मी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन, चारों दिशाओं के नाम बताओ। तो चार दिशाओं में एक उत्तर है, सेकंड दक्षिण, फिर थर्ड पूर्व और पश्चिम। इस तरह से चारों दिशा के नाम आएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, अजय को अपने चाचा जी क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि चाचा जी इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वह दोस्त की तरह अजय से बातें करते हैं और कभी कभी उसके साथ खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है, माफ़ करना, हमारा पेपर है वो कम्प्लीट होता है। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना और आप जैसे जितने भी फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर करना और बोलना कि सब्सक्राइब करें, जैसे कि दूसरे वीडियो आपको मिले तो नोटिफिकेशन बेल में सबसे पहले आपको पता चले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।